बांदा में दो दिन पहले पुलिस की अभद्रता से परेशान महिला के आत्महत्या के मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। इस दौरान एमएलसी राज्यपाल ने पीड़ित परिवार को संतावना देते हुए उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि बैंक फ्रॉड के मामले में महिला को पूछताछ के लिए पुलिस ने कोतवाली बुलाया था। कोतवाली से लौटने के बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने आपको? उन्होंने बोला हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे एंड तक। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हमने से फाइट कर लिया। क्यों? कोतवाली गई थी वो, वहाँ की पुलिस कोतवाल ने और वहाँ मुझे लोगों ने उनके साथ बदतमीजी करी, उसकी वजह से वो घर आ गई थी फाइट करने, और उनकी बात भी नहीं सुनी गई। क्या लगता है आपको क्यों पुलिस ने आपकी मम्मी की बात नहीं सुनी? समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उस दुखी परिवार के साथ खड़ी है। सुधा रैकवार जी को मजबूर किया गया, इस तंत्र ने मजबूर किया, योगी राज के बीजेपी के तंत्र ने मजबूर किया उनको, और पुलिस ने मजबूर किया आत्महत्या के लिए, और योगी जी के गुंडों ने मजबूर किया उनको आत्महत्या के लिए। आप बताइए, कोई व्यक्ति थाने में जाता है अपने बेटे की शिकायत लेके, तो उस लापता बेटे की अगर शिकायत लेके जाता है कोई, तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती है, उनसे 1,00,000 रुपए की मांग की जाती है, उसके बाद में रुपए न देने पे उनके साथ में अभद्रता की जाती है।